हेलो हाय एवरीवन, स्टॉक टिप वन में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रिलायंस इंफ्रा के बारे में। तो इस शेयर्स को लेके बहुत कोई को डाउट था, तो इस वीडियो में पूरे तरीके से क्लियर वे में बात करेंगे इस शेयर्स के बारे में, आगे पैसा लगाना है कि नहीं सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। पर अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तुरंत जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए फॉर माय लेटेस्ट अपडेट। यहाँ से बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा क्योंकि मेरी सबसे पहली अपडेट आपके पास आनी चाहिए। तो चलिए आप वीडियो स्टार्ट करते हैं और पूरे तरीके से जानते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि रिलायंस इंफ्रा अभी कितनी बेहतरीन रिटर्न्स दे रही है। अब रिटर्न्स दे रही है तो इसमें क्या डर बना रही है उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि सबको ही बोर्ड है इतनी ऊपर जा रही है, ये बहुत अच्छी शेयर है। इनफैक्ट मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो रिटेल इन्वेस्टर और नए नए मार्केट में उतरे हैं, उनको सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है जानने के लिए। तो यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वन डे में ही कितना रिटर्न दी है। वन डे में आप लोग देख सकते हैं अप्रॉक्स 5% का रिटर्न, और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे भी आप फोकस कर सकते हैं 14% का रिटर्न दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ पे वन मंथ पे भी आते हैं, जस्ट वेट, यहाँ पे अगर आते हैं वन मंथ पे आते हैं तो 95.45% इनकी सारी कंपनी भी, रिलायंस कैपिटल चाहे रिलायंस की जितनी भी कंपनी आ रही, रिलायंस पावर से लेके सारी कंपनी बहुत ही ह्यूज रिटर्न दे रही है। सारी चीज़ ऑपरेटर पे डिपेंड है। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी अच्छी रिटर्न दे रही है एक मंथ में, वो भी 95% का रिटर्न देखने को मिला। पर क्या ये रिटर्न सही है? क्या आपको ये आगे बढ़ते हुए दिख सकती है? आगे और भी आपको ग्रोथ दिख सकता है? तो ये मेन इंपॉर्टेंट बात आती है। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर अभी गेम खेल रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो भी अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं आप लोग से बोलूंगा कि अभी मत कीजिएगा इन्वेस्ट, क्योंकि मैं इस शेयर्स पे बिल्कुल भी आप लोग को सपोर्ट नहीं करूंगा कि आप लोग आगे इन्वेस्ट किए। ऑफ कोर्स ये इसकी परसेंटेज बढ़ रही है, रिटर्न बढ़ रही है, आगे जाके और प्रॉफिट हो सकता है, पर मैं इस पे पैसा लगाने के लिए मना करूंगा। मेरे तरफ से यही है। कोई बोलते हैं, कोई कमेंट में लिखते हैं कि क्वार्टर फोर की रिजल्ट ऐसी थी, क्वार्टर फोर की रिजल्ट वैसी थी, कंपनी डेप्थ फ्री हो गई, कभी कुछ न्यूज़ लगातार आ रही है। पर हमें क्या बात करना है? कंपनी की ग्रोथ, कंपनी में कोई मेगा प्लान आ रहा है कि नहीं, कंपनी की फंड रेजिंग हो रही है कि नहीं, ज़्यादातर ये सारी चीज़ पर बात करना है। अब फंड रेजिंग में अभी किस टाइप की फंड रेजिंग हो रही है? बोनस से फंड रेजिंग हो रही है कि इक्विटी से फंड रेजिंग हो रही है? आगे क्या डेप्थ है? आगे क्या इसकी और सब कंपनी कैसी परफॉर्म करी? तो ये सारी कंपनी अभी लगातार अच्छी परफॉर्म करी। अब आपको एक चीज दिखाता हूं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो नॉर्मल लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस पॉइंट पे आप ना ही बाई कर सकते हैं ना ही सेल कर सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि इस एक छोटे पॉइंट पे आप लोग को थोड़ा सा ब्रेकआउट देखने को मिला जहाँ पे सबका ऑर्डर लग जाता है, यहाँ या तो सेल कर देते हैं पब्लिक लोग या तो बाई कर लेते हैं। तो इसी तरीके से छोटा उतार चढ़ाव बनता है, फिर उसके बाद एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, मतलब लगातार ऐसे बनाया हुआ है शेयर्स में। यहाँ पे अगर आप लोग फोकस करें तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, मैं बहुत पहले ही ये वीडियो अपलोड किया था, मतलब एक दो वीक हो गई होगी मेरी ये रिलायंस इंफ्रा पे वीडियो अपलोड किए हुए। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिलायंस इंफ्रा पे मैंने 2 वीक पहले ही वीडियो अपलोड की, और भी ऐसे मैं लगातार वीडियो अपलोड करते रहता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे शेयर होल्डर्स को, मतलब मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब किए हुए मेरे कस्टमर चाहे चाहे कोई भी रिटेल इन्वेस्टर को दिक्कत नहीं हो। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोग का मनी लॉस हो, तो ये सब चीज़ पे मुझे सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगा और करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगा, इसलिए बोल रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे अगर देखें तो जिस तरीके से फ्लक्चुएशन मार्केट में बना हुआ है, इस पॉइंट पे आप ना ही बाई कर सकते ना ही सेल कर सकते। मैंने जिस दिन वीडियो बनाया था वो 2 वीक पहले, उसके बाद आप लोग को अप्रॉक्स 15% का गिरावट देखने को मिला था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और अभी इसमें 11% दिखा रही, गूगल में थोड़ा सा कम पॉइंट करके दिखाते, पर 11% का गिरावट देखने को मिला था। पर अब क्या ये क्रिएट कर सकती है? क्या ये आगे और भी परफॉर्म कर सकती है कि नहीं? तो ये कितनी भी ऊपर जाए मैं इस शेयर पे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगा। यहाँ पे भी अगर आप लोग देखते हैं NSE के रिपोर्ट से, तो यहाँ पे आप लोग बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद देख सकते हैं क्या परफॉर्मेंस बनाई हुई है। यहाँ पे जो मेरे मेन पैटर्न है, मैं बस आप लोग को यही बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे जस्ट वेट, यहाँ पे आप लोग देखते हैं ये जो पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रही है, तो जस्ट मैं ले लेता हूँ स्टिक, या यहाँ पे आप लोग देखते हैं ये जो पैटर्न क्रिएट हो रही है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का पैटर्न क्रिएट हुआ है। ठीक, अब यहाँ से फोकस करें तो यहाँ से कुछ अलग तरीके का तेजी देखने को मिला है, मतलब बहुत ही अच्छी खासी। मेरी खुद की शेयर्स लगी हुई थी, मैं खुद पैसा इसमें से निकाल लिया, अपना शेयर्स सेल कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये जाएगी ऊपर। जिस दिन मैंने सेल किया उसके अगले दिन ही 15% डाउन गई थी, पर उसके बाद भी बहुत ऊपर जा रही है, अभी 100 पे ट्रेड कर रही है, आगे भी और ऊपर भी जा सकती है, पर इधर मना क्यों करा उसके पीछे रीजन है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ऊपर गई, इतनी ज्यादा ऊपर जाते हुए दिखी है ये शेयर, और यहाँ पे अगर फोकस करें तो जस्ट वेट,
यहाँ पे फोकस करते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अच्छी खासी लगातार तेजी बना रही और अच्छी खासी ऊपर जाते हुए आगे भी आपको दिख सकती है। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, ऊपर जाते हुए आपको आगे भी दिख सकती है, पर क्या आप इस शेयर पे सेल कर सकते हैं? मतलब जिस तरीके का ये सिचुएशन बना देता है, ये स्ट्रेट लाइन, इसमें ना ही आप सेल कर सकते हैं ना ही बाई कर सकते हैं। जो पुराने पुराने मतलब अच्छे खासे एक्सपीरियंस होगा उनको इस चीज़ के बारे में पता होगा। यहाँ पे बात करें फ्यूचर, यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक, अब पंजाब नेशनल बैंक का मैं क्यों दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अगर बात करें वन मंथ पहले क्या सिचुएशन था, मतलब जो मार्केट में डेली ट्रेड कर थे, इनके क्वार्टर फोर के रिजल्ट आने के बाद क्या गजब ये ऊपर भागे थे, देख सकते हैं 101% तक ऊपर जाते हुए दिखी ऐसे। फिर उसके बाद लगातार नीचे आते हुए कभी 5% कभी कितना लगातार 18% और डाउन आ गई। तो यहाँ से अगर पूरे तरीके से बात करें तो कितना परसेंट आप लोग को 71% देखने को मिला। क्या आपको लगता है कि ये शेयर आगे भी जाके और भी अच्छा, देखिए यहाँ पे ये सिचुएशन में लेके आ जाते हैं जहाँ पे आप ना ही बाई कर सकते ना ही सेल कर सकते। और यहाँ पे क्या करते हैं रिटेल इन्वेस्टर, गलती यहाँ पे करते हैं कि अपनी शेयर्स को बाई करते हैं और बाई करके सोते हैं होल्डिंग से ले रखना। आप ऐसी चीज़ खेलिए जिससे आप लोग को आराम रहे, आप लोग ऐसे वर्क कीजिए जिससे आप लोग को आराम रहे। अब ये कल हो के शेयर्स गिर गया तो जो सोचेंगे कि आज हम लिए वो शेयर्स मतलब गिर गया, ऑफ कोर्स आपको रिटर्न परसेंटेज बनते हुए दिख रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं परसेंटेज बनते हुए दिख रहा है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी आप लोग रिलायंस में भी देख सकते हैं अच्छा खासा परसेंटेज बनते हुए दिख रहा है। वन ईयर में बात करें तो गजब का परसेंटेज बनते हुए दिख रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग पैसा लगा के छोड़ दे और आगे ये मतलब आपको प्रॉफिट देते ही रहेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम लोग मेनली कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें, फाइनेंशियल रिजल्ट पे आ जाते हैं तो फाइनेंशियल रिजल्ट पे आप लोग देख सकते हैं कंपनी की ग्रोथ कैसी रही है। तो यहाँ पे अगर फोकस करने लायक बात है तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी हर चीज पे ग्रीन दिखाया जा रहा है, हर चीज पे ग्रीन दिखाया जा रहा है। तो जस्ट वेट, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से परफॉर्मेंस 2021 में भी बनाई रखी, और यहाँ पे देख सकते हैं क्या गजब गिरावट देखने को मिला है। तो ये सब चीज़ को आप लोग को फोकस में रखना है। यहाँ पे तो तेजी दिखा रही है पर आगे क्या होगा इसके क्वार्टर रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा नेक्स्ट। और अभी कोई अगर कुछ न्यूज़ न्यू ट्रेंड आता, मतलब कि न्यू कुछ वर्क करती है तो उसका भी हमें न्यूज़ आ जाएगा, उसका भी न्यूज़ हम लोग देख सकते हैं डिफरेंट वेबसाइट से। तो अभी तक ना ही वो सब भी न्यूज़ निकल के आई है। और यहाँ पे मेन फोकस हम लोग को रखना है यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे आप लोग जा सकते हैं, जस्ट वेट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में ज्यादातर प्रमोटर है, और जहाँ पे प्रमोटर ज्यादा रहते हैं वहीं पे दिक्कत होता है। सॉरी प्रमोटर नहीं, पब्लिक बहुत ज्यादा है। अब प्रमोटर की सबसे बड़ी बात क्या होती है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रमोटर इंक्रीज होते हुए नहीं दिख रहे, प्रमोटर गिरते हुए दिख रहे। ये चीज पे फोकस कीजिए। पहले देखिए 98 पे थी प्रमोटर, और यहाँ पे अभी देखते हैं 94.13, तो इतनी कम हो गई है प्रमोटर, मतलब प्रमोटर की बहुत कम ही शेयर्स होल्ड की हुई है। और मेनली होल्डिंग्स की बात करें तो होल्डिंग्स में आप लोग देख सकते हैं होल्डिंग्स पहले से कम होते हुए दिखी है लगातार मार्केट में, ये चीज़ का फोकस रखना। और यहाँ पे नॉर्मल जो पब्लिक की बात करें तो पब्लिक तो गजब तरीके से, अगर थोड़े दिन मार्केट और भी ऐसे ही भागते रहा तो पता चलेगा कि पब्लिक की 90% की शेयर्स होल्डिंग हो सकती है। तो ये सब चीज़ पे फोकस रखना है। मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर फ्यूचर रिटेलर का भी बात करें तो आप लोग को पता है दो दिन से आप लोग देख सकते हैं, उससे पहले से भी बात करते हैं, वन मंथ से आप लोग देख सकते हैं क्या तेजी बनाई है फ्यूचर रिटेलर। मतलब जिस तरीके से गिरावट बनाई थी अब तेजी बना दी थी। तो यहाँ पे देखते थे 38% का रिटर्न, पर अब देखिए क्या गिरावट है। और यहाँ पे एक ये ऐसा सिचुएशन क्रिएट करती है, ना ही आप बाई कर सकते हैं ना ही आप सेल कर सकते हैं। प्रॉफिट बनते हुए दिखेगा पर प्रॉफिट आप लोग निकाल नहीं सकते, प्रॉफिट आगे बढ़ेगा आप लोग निकाल नहीं पाएंगे, गिरते रहेगा भी तो नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे दिक्कत आप लोग को हो जाता है। तो ये सब चीज़ पे फोकस करने लायक बहुत ज़रूरी बात है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और याद से बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरी सबसे पहली अपडेट आपके पास आनी चाहिए। और जिन किसी को भी अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग जाके खुलवा सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने TCS की एक वीडियो अपलोड की थी, तो ये वीडियो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। ये भी वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव, आगे आप लोग को बताएगी TCS में क्या रोल हम लोग को निभाना है और कैसे आगे वर्क कर सकती है और भी कितना अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख सकती है। तो ये सारी चीज़ का बात किया हुआ है इस वीडियो में, तो प्लीज़ इस वीडियो को भी जाके देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इनफैक्ट आई बटन में भी मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।